सो दिस इज़ लाइक डे 6। देखते देखते ही 31 अक्टूबर हो गया, मतलब 26 तारीख को निकले हम लोग। 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो दिस इज डे 6। वी आर इन मदुरई और इट्स 7:38 AM इन द मॉर्निंग एंड आई जस्ट टुक बाथ आफ्टर नियरली काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि मुझे जो है सर्दी खांसी था और इसलिए मैं नहाने को जो है अवॉइड कर रहा था, लेकिन मम्मी ने बोला कि नहीं अभी कर ही लो, तो हमने भी बोला चलो ठीक है देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बीमार होंगे। सो आई जस्ट टुक बाथ नाउ एंड ये जो है ये शायद मम्मी का है, ये जो हमने स्टॉल पहना, स्टॉल ही बोलते हैं ना इसको, और आई थिंक इसका स्कार्फ जो है बड़ी दी हमको देने वाली है, या फिर लिंक वगैरह भेजेंगे। आई विल बाय फ्यू मोर बिकॉज दिस विल बी माई सिग्नेचर स्टाइल नो, और हमें जो है खों खों और फों फों होते रहता है। तो ये लोग इधर हैं, मम्मी रेडी हो गई है, जीजा जी रेडी हो रहे हैं, दे वॉन्ट बी गोइंग, ये लोग आराम करेंगे, इधर मम्मी रेडी है, सो माता जी इज़ रेडी, आई एम ऑल्सो रेडी। सो मोबाइल लेके जाएंगे वहाँ पर, अगेन विल डिपॉजिट इट, थोड़ा सा जो कुछ भी होगा बाहर से क्लिप बन जाएगा। सो हमारे मम्मी अभी निकल रहे हैं लेकिन काफ़ी लेट आ गया। एनीवेज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वंडर्स इन योर लाइफ बाय इग्नोरिंग नेगेटिविटी एंड बाय एक्सेप्टिंग पॉजिटिविटी एंड बाय बीइंग थैंकफुल टू ऑलमाइटी फॉर व्हाटएवर यू हैव इन योर लाइफ। आज का तारीख है 31 अक्टूबर 2019, गुरुवार है, 7:40 AM हो रहा है एंड द टेम्परेचर इज 24 डिग्री सेल्सियस, इट्स क्लाउडी एंड वी आर इन मदुरई। सो लेट्स गो। बाय द वे मैं मीनाक्षी टेम्पल के बारे में एक छोटा सा आपको स्टोरी बता देता हूँ कि मदुरई के काफ़ी बड़े राजा थे वो, मतलब निस्संतान थे, मतलब उनको जो है संतान का सुख जो है प्राप्त नहीं हो रहा था, तो उन्होंने घोर तपस्या किया, तो उनके घर में जो है पार्वती जी के स्वरूप उनके घर में एक बच्ची पैदा हुई जिनका नाम कि मीनाक्षी रखा गया। फिर शिव जी जो है काफ़ी खूबसूरत रूप, मानव रूप अवतार लेकर इधर आए, मतलब पृथ्वी लोक पर आए, और फिर उनसे जो है शादी का प्रस्ताव रखे, और मीनाक्षी जी और शिव जी का जो है मानव रूपी शिव पार्वती रूप में शादी हुआ। एंड तब जब इन लोगों का शादी हुआ था, दैट वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इवेंट, जिसमें कि सारे देव देवताएं काफ़ी सब लोग आए थे। एंड यस, ये एक छोटा सा मदुरई का स्टोरी लाइन था आपके लिए। एंड यस, टुडे व्हाट आई एम वेयरिंग इज, सो लेट्स गो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट यू माई वेरी यंग मम्मी, जो आज ग्रीन ग्रीन साड़ी पहनी है, तो इनको देखिए, लगती नहीं है कि इतने मूछ दाढ़ी वाले मतलब बेटे के माता है, शी इज क्वाइट यंग। मम्मी इतना आप यंग कैसे हो रहे हैं बताएंगे? मम्मी नो रिस्पॉन्स, मम्मी ऑलवेज इग्नोर्स मी। मम्मी बाय द वे, हाँ जीजा जी, अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाइए आप ही के लिए वेट कर रहे हैं, ये लोग नहीं जा रही है तो 5 मिनट में आइए ना, आपको नहीं शूट करेंगे, आइए आइए शर्माइए मैं। तो क्या जीजा जी अभी बाथरूम से निकले हैं तो उस तरफ हम कैमरा नहीं कर सकते हैं, आई नो काफ़ी सारे लोग होंगे जो देखना चाह रहे होंगे लेकिन हम नहीं दिखा रहे हैं किसी को। तो बाय द वे आई वांटेड टू से वन थिंग, दैट वाज कि हमारे मम्मी जो है आज से छठ व्रत जो है शुरू कर रहे हैं, आज कद्दू भात होता है, मतलब जिस दिन से छठ की तैयारी जो है, मतलब जितने लोग जल मतलब अर्घ देने के लिए, जैसे हमारी नानी है जिनको हम लोग माँ बोलते हैं, वो दो दिन जो है एक शाम और सुबह वो जो है खड़ी रहती हैं, तो वो ज़्यादा करती हैं ये, तो हमें भी रहना है। और द बेस्ट थिंग इज़ कि इस बार छठ में हम रामेश्वरम में रहेंगे, तो आज से नो प्याज नो लहसुन चैलेंज फॉर 3-4 डेज माता जी के साथ। ये हमारा चश्मा और अब आप इनको देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग बोलिए सबको, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं मंदिर, जरा प्लीज बताइए बढ़ के क्यों नहीं जा रहे हैं मंदिर? सर में दर्द है, आँख में बहुत दर्द है, उसके आँख में बहुत दर्द, इसका बाल जो है ऐसा हो रहा है, ग्रीन तकिया नाइस कलर, इस चीज को मैंने पहली बार देखा तो लगा कि ये साड़ी है मम्मी का, रनर ये कुछ रनर वगैरह, तो
यो मीनाक्षी मंदिर काफी ज्यादा बड़ा है, काफी ज्यादा बड़ा मतलब कि मुझे लगा था कि छोटा सा मंदिर होगा, लेकिन इस मंदिर को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए मिनिमम यू रिक्वायर 3 to 5 hours, और एक बार जाओ अंदर फिर आओ ही मत, ऐसा वाला है मंदिर। अच्छे से एक 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 चीज़ को, और साउथ इंडियन कल्चर में जो है मतलब मूर्तियाँ थोड़ी अलग अलग ढंग के होते हैं। जैसे मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा कि गणेश जी के गोद में शिव जी हैं, ये थोड़ा अद्भुत सा था। फिर दो दो गणेश जी एक साथ, ऐसा काफ़ी सारा चीज़ है। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर टू स्टडी एंड इंडियन माइथोलॉजी इज जस्ट लाइक अ ह्यूज 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 हिस्ट्री। मैं अपने मतलब स्टडीज़ के दिन में कभी पढ़ा नहीं हिस्ट्री, लेकिन हाँ मैं माइथोलॉजी को जितना हो सकेगा आई विल बी स्टडिंग। यहाँ से वापस जाने के बाद आई विल स्टार्ट वॉचिंग महाभारत एंड मैनी थिंग्स। तो मम्मी चले, अब चले क्या? कॉइन वाला क्या बता दो, बताओ बताना जल्दी जल्दी बताओ। मैंने बोलूंगा मैंने ब्रश नहीं किया। बड़े दे बताओ क्या था कॉइन। देखो एक अच्छे से बोलो। शिवजी थे, एक शिवजी थे, शिवजी थे और एक गॉड थे, वो उनके नीचे वो ऐसे करते थे, उनके हाथ में एक सूप नहीं कुछ समथिंग दलिया जैसा समथिंग, उसमें कॉइंस लोग फेंक रहे थे। बट क्या है ना, कॉइंस किसी का टिक नहीं रहा, सबका निकल रहा था। चार पांच कॉइन्स थे उसमें, बाकी सारे नीचे। जीजा जी भी फेंके, वो टिका फिर वो निकल गया। तो उस डलिए में अगर टिक जाए तो समझ लीजिए टिक जाए। अभी जीजा जी भी फेंके लेकिन उनका नहीं आया। श्रेष्ठा भी मेरे से 5 रुपए का सिक्का ले गया था, तो किसी का जा रहा था। उसमें 3-4 ही कॉइन थे। अच्छा, 3-4 ही कॉइन था। बाउंस हो रहा है वहां से। और काफी कुछ है मतलब इट्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर टू स्टडी एंड इट इज लाइक, मुझे तो काफी मैसिव मंदिर लगा। अभी जीजा जी बता रहे हैं कि रामेश्वरम जो है वो इससे भी बड़ा मंदिर है, तो व्हाट इट डिजर्व 2 days। तो वी आर गोइंग फॉर मॉर्निंग दर्शन। तो अभी तो ऐसे 7:30-8:15 ही हो रहा है, लेकिन मैंने अभी सनस्क्रीन लगाया है जो कि मेरे लिए क्या कहते हैं सुरक्षा कवच है। जितने लोगों ने ये द्वारका वाला व्लॉग देखा था, सोमनाथ वाला, तो सोमनाथ में मैं धूप में काफ़ी ज़्यादा घूमा था। अभी तो ऐसे वेदर काफ़ी क्लियर है, साफ सुथरा है, बट धूप तो आएगी। 2 घंटा तो हम लोगों को मंदिर में आराम से जाने वाला है। कल भी 2 घंटा लगा था और अच्छे से आज कुछ 4 टावर है। ये देखो मंदिर का एक टावर इधर देख लो, तो 4 टावर है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। उसमें लगता है हम लोगों ने सिर्फ 2 टावर को कल एक्सप्लोर किया, टुडे विल बी डूइंग दैट। तो इसलिए सनस्क्रीन हमने भर भर के लगा लिया, हाथ में भी लगा लिया, इधर भी लगा लिया। और ये रही माता जी, तो यो तो ये रहा मंदिर और उस तरफ है हमारा होटल, तो चल आ जाए, लेट्स गो। और इधर है आपका फूल वगैरह का कॉर्नर है, मोबाइल काउंटर है एंड जूता चप्पल घर है। यहाँ पे मोबाइल वगैरह डिपॉजिट करने के लिए आपको 5 रुपये लगेगा। तो जूता चप्पल तो ये और मोबाइल काउंटर इज हियर। सो there is a golden temple inside the mandir wala section. ek chandra kumar and family jo hai unhone matlab donate kiya hai, matlab banaya golden ka hi temple andar bana diya hai shiv ji ka. and now talking about ab shiv ji ka darshan karna chahenge to aapko jo hai 1500 rupees darshan ke liye, 5000 rupees ek ghante tak puja karne ke liye. Now this is, many people will say this as a business, but this is not at all business. See, आप अपने श्रद्धा से दीजिए, दुनिया में क्या ऐसा चीज। See, I am also a businessman, तो इसलिए मैं इस चीज़ को अच्छे तरीके से relate कर सकता हूँ। इतनी बड़ी काफ़ी huge मंदिर है, अब इस चीज़ को जो है आखिर चलेगा कैसे, right? और ये आपसे कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं आपसे, right?
आप अपने श्रद्धा से दे रहे हैं, इट इज नॉट लाइक कि यू हैव टू फोर्सफुली गिव इट, राइट। तो ये रहा मंदिर, ऐसा ही कुछ है, बहुत सारा कुछ है, स्पेशल दर्शन का लाइन है, ये वो है, बट हमने तो किसी भी तरह का यू नो चीज को अवेल नहीं किया, इट्स जस्ट लाइक जो हमारे दिमाग में समझ में आया वो हमने किया। तो ये जो है ये ईस्ट टावर है, मैं बेसिकली बस चल के एक्सप्लोर कर रहा हूँ क्या है। सो एज आई सेड चार टावर है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। एंट्रेंस का जो है वे टू दर्शन आई थिंक एक ही एंट्री है, एंड यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज इश्यू है, मतलब नॉट एवरी वन हियर यू नो अंडरस्टैंड थिंग्स, बट या इट्स ओके। सो अंदर में कार्तिक जी का अभिषेक हो रहा था, गणेश जी के पुत्र कार्तिक जी का, यू कैन एंजॉय द म्यूजिक। तो यस, कार्तिक जी का हर एक साल में एक बार अभिषेक होता है दिवाली के 6 दिन बाद, सो वो लकीली वी वेर एबल टू सी इट, एंड यस बाकी सब तो बढ़िया है। तो अब बस यहाँ से निकलना है, चेकआउट टाइम इट इज, एंड यू दैट्स यू। एंड एज यूजुअल आई टुक द यू नो हमें जो है लकीली हर जगह मिल जाता है नज़दीक में, तो वहाँ पर है हमारा होटल, और ये रहा ये मंदिर का एंट्री है। सो दिस इज़ क्वाइट कूल।